अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आशमास किचन। आज हम बनाएंगे मिक्स दाल तड़का, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होने वाला है और इसको आप फटाफट बना सकते हैं अगर आप दाल सोख कर ले तो। यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शन इस तरह से है कि हमने यहाँ पर छोटी छोटी कटोरी से दाल ली, जिसमें दो कटोरी चने की दाल, बाकी उड़द, अरहर, मसूर और मूंग एक एक कटोरी है। और अब यहाँ पे प्रेशर कुकर में हमने डाल लिया है तेल 1 चम्मच और उसमें हमने डाल दिया आधा चम्मच जीरा क्रैकल होने, चुटकी भर हींग डाल दिया और 1 प्याज कट करके यहाँ पर हमने सौटे कर दिए और साथ ही डाल दिए इसमें 2 खड़ी मिर्ची। हरी मिर्ची डालने के बाद अब देखिए थोड़ा सा और सौटे करेंगे और इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और 1 बड़ा साइज का टमाटर कट करके डाल देंगे। अब यहाँ पर हल्दी आधी चम्मच, 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच धनिया और नमक स्वादानुसार डाल के मसाले को अच्छी तरीके से भून लीजिए। अब जब मसाला भून जाए तो देखिए दाल हमने सोख करके रख दी थी। हाफ एन आवर सोख करने के बाद यहाँ दाल को डाल दें तो ये दाल भी जल्दी से गल जाती है अगर आप सोख करके रख दें। और दाल को अच्छी तरह से हमने चलाने के बाद इसमें डाल दी है 1 चम्मच कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके। अब इसको साथ में चला लें और अब डाल दें 4 कटोरी पानी। और अब 4 कटोरी पानी डालें, बड़ी कटोरी से हमने 4 कटोरी पानी डाला है और यहाँ प्रेशर कुक कर दें उसको 3 विसल तक। अब यहाँ पर तेल में हमने डाल दिया है जीरा, प्याज और कटी हुई लाल मिर्ची और कड़ी पत्ता। इससे हमारा बघार ऊपर का तड़का तैयार हो गया है और सिंपल तड़का है पर बहुत ही टेस्टी दाल बनेगी। अब प्रेशर खुल चुका है तो हम देख लेते हैं दाल। दाल देखिए परफेक्टली गल चुकी है और देखिए सारी दालें बढ़िया तरीके से गल चुकी हैं। और यहाँ पर हम दाल को निकाल लेंगे और बस जो हमने तड़का लगाया उसे ऊपर से लगा देंगे। और बताइएगा ये सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और यहाँ लास्ट में देखें कि हम यहाँ पर इसको हर धनिया से गार्निश करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।